What you're referring to is love. आप जैसे प्यार कह रहे हैं वो मूल रूप से आपकी भावनाओं की मिठास है। आप यहाँ बैठे बैठे किसी ऐसे इंसान के लिए प्यार महसूस कर सकते हैं जो यहाँ नहीं है, तो इसका किसी इंसान से कोई लेना देना नहीं है, ये बस आपकी भावना की मिठास है। अब आपका लव अफेयर, आपकी प्यार करने की क्षमता, ये सेल्फ स्टार्ट पर है या पुश स्टार्ट पर है? जब इंसान अपनी प्रकृति के बारे में ज्यादा जागरूक होने लगता है, वो समझ जाता है कि प्यार का अनुभव करने के लिए, खुशी का अनुभव करने के लिए, आनंद का अनुभव करने के लिए, यहाँ तक कि परमानंद का भी अनुभव करने के लिए आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। आप यहीं बैठे बैठे अपने अंदर इसे पैदा कर सकते हैं, क्योंकि आखिरकार ये आपका शरीर है, आपका मन है, आपकी भावना है, आपके रसायन है, और आप खुद ही जीवन के सारे अनुभव पैदा कर रहे हैं। क्योंकि लोग इस बात को लेकर जागरूक नहीं हैं कि आप अपने जीवन के निर्माता हैं, आप खुद अपने जीवन को जैसा चाहे वैसा बना रहे हैं। ज्यादातर लोग अब भी यही मानते हैं कि उनके अनुभव आसपास के लोगों और हालातों के द्वारा तय होते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। ह्यूमन एक्सपीरियंस, इंसानी अनुभव 100% खुद के बनाए होते हैं, 100%। अगर हम खुद इसे बनाते हैं, तो अभी यहां बैठे बैठे क्या आप अपने शरीर, मन, भावना और ऊर्जा के मिठास को बनाए रखना चाहेंगे या कड़वाहट चाहेंगे? आप मिठास ही चाहेंगे, तो आप स्वाभाविक रूप से प्यार भरे होंगे, किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। तो रिश्ते, जब आप किसी स्त्री और पुरुष की बात करते हैं, तो आप एक रिश्ते की बात कर रहे हैं। रिश्ते के बहुत से पहलू हैं। इसका सामाजिक पहलू हो सकता है, शारीरिक पहलू हो सकता है, मानसिक पहलू हो सकता है, या आर्थिक पहलू भी हो सकता है। रिश्ता बनाने के कई सारे कारण हो सकते हैं। हम अपने जीवन में कई लोगों से रिश्ते बनाते हैं। ये रिश्ते बिजनेस को लेकर या पर्सनल या प्रोफेशनल हो सकते हैं। तो हम रिश्ते बनाते हैं अलग अलग तरह की जरूरतों को पूरा करने के लिए या किसी दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो ये हुई रिश्तों की बात। पर आप जिसे प्यार कहते हैं, वो आपकी अपनी भावनाओं की मिठास है। आप किसी दूसरे व्यक्ति का उपयोग करके अपने भीतर प्यार पैदा कर सकते हैं, या आप सेल्फ स्टार्ट मैकेनिज्म पर हो सकते हैं। आइए जरा गौर करें कि एक इंसान को प्यार की जरूरत क्यों होती है। एक इंसान के अंदर हर समय अभी वो जो है उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा होने की चाह होती है। बात यह है कि आप किसी ऐसी चीज को खुद में शामिल करना चाहते हैं जो अभी आपका हिस्सा नहीं है। पूरी कोशिश बस यही है। अगर यह भावना के स्तर पर होता है, अगर आप भावना के स्तर पर यह कोशिश करते हैं, तो हम इसे एक लव अफेयर कहते हैं। आप भावना के स्तर पर किसी ऐसे को अपना हिस्सा बनाना चाह रहे हैं जो आपका हिस्सा नहीं है, यही लव अफेयर यानी प्रेम संबंध है। अगर आप इसे जागरूकता के साथ करते हैं, तो हम इसे योग कहते हैं। योग का अर्थ है एक हो जाना। प्यार कोई रिश्ता नहीं है, प्यार आपकी भावनाओं की मिठास है। आप चाहे किसी पेड़ की ओर देखें या किसी कुत्ते की ओर, किसी स्त्री, पुरुष, बच्चे या खुले आसमान की ओर देखें, आप उसे प्यार से क्यों नहीं देख सकते? बात आसमान को प्यार करने की नहीं है, बात आपकी भावनाओं के मीठे होने की है। अगर आप चाहें तो आप प्यार बन सकते हैं। आप अपनी भावनाओं को एक मीठे एहसास में बदल सकते हैं। प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप करते हैं, यह ऐसा एहसास है जो आप बन सकते हैं। हर रोज 5 मिनट किसी ऐसी चीज के पास जाकर बैठें जो आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। ये कोई पेड़, पत्थर या कीड़ा भी हो सकता है। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आप उसे उतने ही प्यार से देख सकते हैं जैसे आप अपनी पत्नी, पति, मां, बच्चे या कुत्ते को देखते हैं। हो सकता है कीड़े को इस बात का पता ना हो, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप हर चीज को प्रेम से देख सकते हैं, तो यह पूरी दुनिया आपके लिए बेहद सुंदर बन जाएगी। आपको यह एहसास होगा कि प्यार कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आपको करना है, प्यार आपके होने का ढंग है। अपने हाथ एक साथ जोड़ने से
आप अपनी पसंद नापसंद, अपनी घृणा और स्नेह के दोहरेपन से ऊपर उठकर अपने अंदर मेल और एकरूपता का अनुभव कर सकते हैं।